दोस्तों आईपीएल 2024 के ऑक्शन में चेन्नई की टीम ने यहाँ पर 20 वर्षीय समीर रिजवी को 8.40 करोड़ के बड़े अमाउंट में परचेस किया था, जहाँ पर लगातार लोगों ने ये सवाल पूछे थे कि चेन्नई ने क्यों इनको परचेस किया था। तो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे बेस्ट इनका स्ट्राइक रेट था, फिनिशर के तौर पर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी करी थी। और खबर ये है कि चेन्नई के कैंप में जो यहाँ पर ऑक्शन से पहले चेन्नई का प्री कैंप था, वहाँ पर इन्होंने लगातार 8 बॉलों में 8 छक्के जड़े थे। इवन एक्सपीरियंस गेंदबाजों को इन्होंने लगातार छक्के जड़े थे, तो एमएस धोनी काफ़ी इनसे इंप्रेस हुए थे। एमएस धोनी ने इनको ये तक कहा था कि अगर ये 15 करोड़ तक भी ऑक्शन में जाएंगे तो भी चेन्नई की टीम इनको परचेस करेगी। इस वजह से चेन्नई ने अंत तक इनके लिए पर्स बचा रखा था, अनकैप्ड प्लेयर के लिए अंत तक यहाँ पर चेन्नई ने पर्स बचा रखा था। आप अपनी स्क्रीन पर इनकी यहाँ पर वीडियो देख पाएंगे, जो कि चेन्नई के कैंप में इन्होंने प्रैक्टिस करी थी, वहाँ पर बल्लेबाजी करी थी। वैसे इस प्रकार के जो भी अपडेट्स हैं हम टेलीग्राम पर अपडेट कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आईपीएल की सारी खबरें सारे अपडेट्स पहले मिल जाए। और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग राइडू की जगह आखिर समीर रिजवी को लेने का चेन्नई का सही फैसला है या फिर नहीं, राइडू की जगह ये यहाँ पर उन जैसा योगदान दे पाएंगे या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें।